Assalamualaikum guys, पहुंच गए हैं स्कॉटलैंड, जैसा कि आप लोगों से वादा किया था। अब हम यहाँ से उस साइड पे जाएंगे, वो वाली साइड पे, और उधर जाके हम वो वाले पहाड़ के टॉप पे कैंपिंग करेंगे, जो के कहा जाता है कि हॉन्टेड जगह है। सो नॉट लॉन्ग, कैंप उधर लग जाएंगे और हम आपको वहां पे मिलेंगे इंशाल्लाह इन अबाउट एन अदर मैक्सिमम आवर। बेहद मजे के मनाजिर हैं, कसम से मजा आ रहा है इस ट्रिप का। आप देख सकते हैं चारों साइडों पे पहाड़ हैं, पहाड़ों के मिडल में बाउल की तरह एक रोड है जिस पे हमारी गाड़ी लहराती हुई जा रही है। इन पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई है, आप गौर से देखें, ये बर्फ मेल्ट होके नीचे आती है और हाई फील्ड वाटर्स हाई लैंड वाटर्स जो कि यूके के बड़े मशहूर वाटर्स हैं, स्कॉटलैंड में आते हैं, ये उधर जाते हैं और उधर से बिल्कुल 110% फ्रेश ताज़ा तरीन पानी आपके लिए रेडी होता है। ये देखें, ये जो पतले पतले से नज़र आ रही है, यहाँ से पानी नीचे आ रहा है, आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल पतली पतली सी सड़कों की तरह की लाइनें सी बनी हुई हैं, यहाँ से पानी आ रहा है। ये दूर से क्योंकि देख रहे हैं पतले पतले लग रहे हैं, हकीकत में तकरीबन 4-4, 5-5 फुट चौड़े हैं। कैसा लग रहा है, चेक करो नज़ारा, चेक करो, तो की लगता है फिल्टर लाया? नहीं नहीं नहीं, और मैं इधर खड़ा हूँ, मैं इसलिए थोड़ा डोल रहा हूँ, गिर गया तो प्रूम करके मैं सीधा उसको बचाऊंगा। ये आ गया जरा बल्कि दोस्तों, ये है हाई लैंड का पानी जो कि बोतलों में भर के भी आता है, हाईलैंड वाटर के नाम से। आप देख सकते हैं सारा ऊपर से ताज़ा पानी चश्मों से आ रहा है नीचे, ब्यूटीफुल व्यू दोस्तों। ये नहायत ही खूबसूरत कुदरत का पानी का निज़ाम देख के कसम से दिल गार्डन गार्डन हो गया एंड क्लाउडी क्लाउडी सा हो गया, क्योंकि बादल भी जो है वो पानी के ही बने होते हैं और ऊपर देख सकते हैं बादल ही बादल है। अभी जो मैं कैमरा जूम इन कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ एक गोल्डन ईगल पे, गोल्डन ईगल हमारे सामने ये उड़ के गया, ये जनाब शिकार कर रहा था एक फेजेंट का, जिसके गुर्दे फेफड़े शेफड़े सब इसने निकाल के बाहर रख दिया, मतलब कि आंतड़ियाँ उंतड़ियाँ निकाल के खा गया। रोड पे पड़ा था फेजेंट, अब देखना मैं वहाँ तक चलता हुआ जा रहा हूँ और जाके अब आपको मैं इस फेजेंट के अंदर पेटा चेक करवाऊँगा कि अंदर से फाड़ दिया उसने। तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह। लो जी, अब हम कैंपिंग वाली जगह पर पहुँच गए। यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने कैंप लगाया हुआ था, मगर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं, बड़ी ब्यूटीफुल व्यू हमने ढूंढा कैंपिंग के लिए और ये एक प्रॉपर लाइक ब्यूटीफुल व्यू है। इधर फिशिंग वगैरह भी है, मगर फिशिंग जो है वो हर किसी के लिए अलाउड नहीं है, मगर अगर आपके पास रोड शोड हो आप कर सकते हो। बारबेक्यू के लिए आग जल गई है जिसको हम कहते हैं मच्छ बालना, मच्छ आप बाल लेती है। ये जनाब चौधरी साहब हमारे साथ, मलिक साहब हमारे साथ, ये हमने कैंप लगाया, चेक करो कैसा कैंप लगाया, और कैंप को हमने गाड़ी की डिग्गी खोल के उसके साथ लगा दिया था। ये आप देख सकते हो गाड़ी की डिग्गी के ऊपर कैंप लगाया, ब्यूटीफुल व्यू हो गया। इधर हमने पकाया जनाब चिकन टिक्का शिक्का, प्रॉपर लाइक टिक्के शिक्के त्रोड़े, चाय भी हमने इसी पे बनाई, डाकुओं वाली कैटल लेके आए थे गब्बर सिंह वाली। गाइस ये आपका भाई आ गया रॉकी खान, ये हमने लगाई हुई है फायर, चेक करो। ये जनाब अपनी कैंपिंग चल रही है, मलिक इंग्लैंडिया साहब, ये माशाल्लाह बड़े भाई हैं हमारे, वन ऑफ द गुड ब्रदर्स। ये कैंप चेक करो, 6-man कैंप है, प्रॉपर यार हार्डवर्क किया इसको लगाने में। अल्हम्दुलिल्लाह कैंप शैंप हमने लगा लिया था, ठंड होने की वजह से और बारिश बहुत तेज होने की वजह से हमने जो था ना बारबेक्यू वाली ट्रे उसको कैंप के अंदर रख दिया, तो अब आप देख सकते हो धुआं ही धुआं हो गया, बादलों तक धुआं जा रहा है, हर तरफ धुआं ही धुआं। धुएं को देखते हुए हमने क्या किया, हम जनाब गाड़ी में जाके बैठ गए हीटर शीटर ऑन करके, और उधर अब हम रिवर्स कैमरा ऑन करके चेक कर रहे हैं कि क्या हिसाब किताब है, तो धुआं अभी भी है। अच्छा जी, बाकी सारी बातों को गोली मारो, ये पहाड़ चेक करो, ये पहाड़ में मिला प्रॉपर नारायण का गान वाले पहाड़ों के टाइप का, जिनके नीचे सोना या मेटल या चांदी या कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर पथरीला पहाड़ है, प्रॉपर पक्के पत्थरों का पहाड़। आय हाय हाय, देख के मजा आ गया, दिल तो बड़ा किया हाइकिंग करें इसके ऊपर, मगर कहते हैं ना तंबाकू नोशी जो है वो सेहत के लिए ठीक नहीं होती, और हमने कुछ ज्यादा तंबाकू नोशी कर ली है, तो भाई जी इधर तो हम चढ़ नहीं सकते। खैर ये देखे कितना घना जंगल है इसके साथ, प्रॉपर घना जंगल और चारों ओर जंगल है दूसरी साइड पे भी, और ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है जनाब के नो आइस फिशिंग, के फिशिंग फुशिंग ना करना, नहीं तो लित्तर पहने ने तुम्हानू इत्थे फाड़ लेना अगले ने, तो लित्तर मार मार कुछ नहीं छड़ना, फिशिंग इज नॉट अलाउड। बहरहाल ये फ्रेश वाटर है हाईलैंड्स का, खूबसूरत तरीन पानी, बड़ा ही मीठा पानी है, और पियो इसकी बोतलें भर भर के, बेशक घर ले जो कोनी रोला। मलिक साहब
कैसे हैं जनाब? मलिक साहब, एक चैलेंज आया आपके लिए जनाब। ये नरान और कंगान वाले पहाड़ मुझे नजर आए, इधर पीछे देखो, ये पहाड़ है, इसको पूरा ऊपर तक देखना। चैलेंज ये है कि ऊपर तक देखना, टोपी ना गिरे, क्योंकि पूरा ऊपर तक देखोगे टोपी गिर जाएगी आपकी। उतने तक टकना है, बस टक के बताओ। बोला था टोपी गिराने वाले पहाड़ है गाइस। बहरहाल नरान और कंगान वाला अगर मजा लेना ना किसी ने यूके में रहते हुए, स्कॉटलैंड के इस इलाके में जरूर आओ। इलाका कौन सा ये वाला जहाँ पे टक्की हम खड़े अभी? वाह क्या इलाका है ये, वाह का इलाका है, वाह क्या इलाका है। लो जी, अब ऊपर से नीचे जाते वक्त ये एक और लेक आई है। ये सब लेक सी है, सब फ्रेश वाटर का ही सिलसिला है, इसमें से कोई दरिया या नहर वगैरह नहीं है। सब का सब ताजा तरीन पानी ऊपर से पहाड़ों से नीचे आ रहा है, और ये फ्रेश कोल्ड वाटर सिलसिला है। उसमें कोल्ड वाटर फिशेस, ट्राउट जैसी मछलियाँ और काफ़ी सारी बाकी इकसाम की मछलियाँ पाई जाती हैं, जिनको आप पकड़ पकड़ के पका भी लें तो कोई रोला नहीं है, क्योंकि स्कॉटलैंड में आपको फिशिंग के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। और ये हमने मछली नहीं पकाई हुई, ये सिर्फ और सिर्फ चिकन है गाइस। ये ना सोचना कि असी मछलियाँ फाड़ फाड़ के पका पका के मुफ्तियाँ खाते रहे हैं। ये हमने चिकन पकाया और इसको मैरिनेट खान साहब ने किया था, और मैंने बड़ी मेहनत की थी इसको मैरिनेट करने में। और ये जनाब आ गई डाकू गब्बर सिंह वाली कैटल, देखो जो मैंने ऊपर रखी, इसमें चाय पका रहे थे। खैर अब आ गए हम प्रॉपर फ्रेश वाटर सिलसिले में गेन, क्योंकि तकरीबन 17 से 18 लेक्स हम देख चुके हैं। देखो पानी कहाँ से आ रहा है, झरनों से बहता हुआ, और ये काफ़ी साइडों से आके इस जगह पे कनेक्ट होता है। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट जहाँ पे हम रुके थे। रुक के यहाँ पे फुल मस्ती की हमने, पानी शानी पिया, यहाँ से ताज़ा तरीन पानी, ऊपर पहाड़ों की खूबसूरती चेक की, और हर किस्म की खूबसूरती इस इलाके में चेक करके भाई लोग वापस आए थे। और ये वैसे हमारी वापसी की वीडियो है। अब हम वापस वाली साइड पे निकले हैं स्कॉटलैंड से इंग्लैंड वाली साइड पे, मगर हम रास्ते में जाते वक्त डिफरेंट रास्ते से गए थे, और आते वक्त हम किसी और रास्ते से आए हैं, क्योंकि हर तरफ आप देखोगे दोनों साइडों से रास्ते बड़े खूबसूरत है। जाते जाते यार ये ब्रिज हमें वापसी पे नजर आया, इधर भी लगता है जैसे कोई पानी का सिलसिला था, अब ड्राई हो चुका हुआ है, मगर पानी ऊपर से बहता हुआ यहाँ पे भी आता होगा। ये ब्रिज इसीलिए बना होगा, मगर पानी ड्राई हो चुका है, इस साइड पे आ नहीं रहा। बहरहाल बड़ा पुराना ब्रिज लग रहा था देखने में, कम अज कम कोई 300-400 साल पुराना ब्रिज लग रहा था। और स्कॉटलैंड में आपको बड़ी पुरानी पुरानी चीज़ें नज़र आएंगी जो गोरों ने उस दौर में ईजाद की थी, और 500-600 साल पुराने ब्रिजेस के प्रोजेक्ट्स और इस तरह की बहुत सारी आपको चीज़ें नज़र आती हैं जो कि उन्होंने अभी तक संभाल के रखी हुई हैं। हैरानगी की बात यह है कि ये अभी भी इन चीज़ों पे पैसा खर्चते हैं और उनको मेंटेन रखते हैं। दिस इज़ ब्यूटीफुल। अच्छा जी, ये अभी एक और लेक आई है यहाँ पर। वैसे तो बोटिंग शोटिंग की भी इजाज़त है, बोटिंग कर सकते हैं आप। पेट्रोल बोट्स यहाँ पे आपको रेंट में मिलती हैं, और ये आप देखें इसके साइडों पे पूरे घने जंगलात हैं, कोई आबादी बूदी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ लेक्स हैं, फ्रेश वाटर के सिलसिला जात हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे बड़े बड़े जंगलात हैं, एक छोटा सा वो हट बना हुआ है, वो वहाँ से बेसिकली आपको बोट्स मिलती हैं रेंट पे। और गर्मियों में ये बहुत बिजी जगह है, सर्दियों में इट्स जस्ट ओके, बट इफ़ यू कम इन समर, समर में आपको यहाँ पे इतनी को आबादी नज़र आएगी, इतनी को वाम नज़र आएगी कि पाँव रखने की जगह आप लोगों को नहीं मिलने लगी। क्योंकि जब हम समर में आए थे हमें तो भाई जी यहाँ पे पार्किंग तक नहीं मिल रही थी गाड़ी की। यहाँ से थोड़ा सा आगे जब आप जाते हैं ना, तो वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट ट्राउट फिशिंग का स्टॉप आता है, जहाँ पे अगर आप बैठते हैं आपको दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट ट्राउट मिलती है, और फ्रेश वाटर की ट्राउट है, ठंडे पानी की ट्राउट है। और ये बेसिकली वो पानी है जो कि ऊपर से कहकशाओं से आता है और मेल्ट होता है, और हो के बुशेस के साथ, पत्थरों के साथ लग लग के फिल्टर होता हुआ यहाँ तक आता है इन लेक्स में। और यहाँ पे फिर वो मछलियाँ इस साफ़ सुथरे पानी में पलती हैं, और साफ पानी की मछली जो होती है, मीठे पानी की और साफ पानी की मछली ताज़ा तरीन, उसका मज़ा ही अपना है। ये आप किसी शिकारी से पूछे वो आपको ज़रूर बताएगा। गाइज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ यूके के वीलॉग्स दिखाने के लिए बनेगा आपके, आपको यूके की ब्यूटी दिखाई जाएगी ऑल ओवर यूके, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, जो रेयर स्पॉट्स हैं और जो बहुत खूबसूरत जगह हैं।
हम वहाँ पे जाएंगे और आपको प्रॉपर ब्यूटी दिखाएंगे। ये जो वीलॉग है ये हमने वीलॉग बनाने के सेंस में ये वीडियोस बनाई नहीं थी, ये तो ऐवी खादी पीती में बन गई थी, मगर इंशाल्लाह अगली जो वीडियोस हम बनाने वाले हैं वो 110% वीलॉग्स का सोच के बनाई जाएंगी, जो आप लोग देखेंगे और आपको मज़ा भी बहुत आएगा। आप लोग हमारी वीडियो के साथ बंधे रहे, जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच मेरे भाइयों और बहनों, हमें देखने का, हमें प्यार देने का और सब्सक्राइब करने का। लव यू ऑल। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। भाई को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।